नमस्कार, मैं विधि असरानी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ धर्म ज्योति चैनल पे। आज की विशेष मुलाकात में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य व्याकरण आचार्य डॉक्टर बाल गोविंद शास्त्री जी। चूँकि सावन का महीना चल रहा है तो आज हम सावन पर ही चर्चा करेंगे। शास्त्री जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्म ज्योति चैनल में। शास्त्री जी हमें ये बताइए कि सावन का महीना जैसे ही आता है पूरा संसार शिवमय हो जाता है, आखिर ऐसी क्या खास बात है सावन के महीने में? मूलतः पूजन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि श्रावण का महात्म्य कोई जानता नहीं। लोग जानते हैं कि श्रावण में पूजन करना चाहिए तो कर रहे हैं जी। सत्यता यह है, शिव पुराण में लिखा है सृष्टि में तृणलता गुल्म उद्भिज, जितने भी सृष्टि में जो भी स्वरूप है ये सब शिव का स्वरूप है। और जब बरसात होती है तो जितने अदृश्य तृणलता गुल्म हैं वो श्रावण मास में प्रकट हो जाते हैं, तो सारी प्रकृति यानी सारी सृष्टि शिव स्वरूप बन जाती है। लिखा है कि यदि आप कहीं पूजन गए हैं, मान लो शिवलिंग नहीं है जी, और पूजन करना शिव का आपका, तो पशु का कर लो, पक्षी का कर लो, कुछ भी नहीं है वृक्ष का करो, वृक्ष नहीं है तृणलता गुल्मों का कर लो, सब शिव स्वरूप हैं। अर्थात सृष्टि में जो अदृश्य रूप से शिव का स्वरूप है वह दृश्य हो जाता है, अर्थात पौधों के रूप में तृणलता गुल्म के रूप में सृष्टि में प्रकट हो जाता है। इसलिए एक शिवलिंग का पूजन अनंत शिवलिंगों के पूजन का फल श्रावण मास में प्रदान करता है। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो रहस्य है, श्रावण में ही आराधना का क्यों क्रम प्रारंभ हुआ? तो वास्तविकता है कि जब शंकर पार्वती का विवाह हुआ, भगवान शंकर गृहस्थ बने और भगवती पार्वती के साथ विश्राम करने के लिए गए, इधर तारकासुर अनेक प्रकार के उपद्रव कर रहा था। उसका लक्ष्य था, वरदान मांगा था उसने कि शिव पुत्र ही मुझे मार सकता है, अन्यथा कोई मुझे मार न सके, और जब तक शिव का पुत्र नहीं होगा तो मारेगा कौन। ऐसी परिस्थिति में भगवान शंकर गृहस्थ बनते हैं और पार्वती के साथ विश्राम करने लगते हैं। वर्ष बीतने लगे किंतु बाहर निकल कर नहीं आए, और इधर यह आषाढ़ का महीना जब आया वर्षा बंद हो गई, श्रावण महीने में त्राही त्राही मची, अब क्या होगा, जल तक नहीं मिल रहा जी। तो सृष्टि के समस्त देवता मिलकर श्रावण मास में शिव की आराधना करते हैं, और जब शिव की आराधना किया तो भोलेनाथ जो अपना गृहस्थ जीवन था, भगवती पार्वती के साथ जो उनका सांसारिक संबंध बन रहा था, उसको छोड़कर बाहर निकल कर आए और देवताओं को आशीर्वाद देते हैं कि आप लोगों ने श्रावण मास में हमारी आराधना किया, हम प्रसन्न हैं। यदि सृष्टि का कोई व्यक्ति श्रावण मास में हमारी आराधना करेगा तो उसे वर्ष भर के पूजन का फल प्राप्त होगा। इसलिए श्रावण मास में लोग विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करते हैं। मतलब जो साल भर पूजा नहीं कर पाए वो सावन के महीने में केवल श्रावण मास में दे शिव की आराधना कर लिया तो पूरे वर्ष भर के पूजन का फल उसे प्राप्त होता है। साथ ही शिव को सबसे बड़ी चीज है विविध प्रकार के पुष्प चाहिए, विविध प्रकार के तृणलता गुल्म चाहिए, सब कुछ चढ़ाए जाते हैं। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है केवल केतकी का पुष्प छोड़कर, केतकी का पुष्प भगवान शिव को नहीं चढ़ता, अन्यथा जितनी भी सृष्टि के कोई तिनका उठाकर चढ़ा दीजिए, लता गुल्म चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, सब शिव को प्रिय, मतलब श्रद्धा होनी चाहिए, इसीलिए भगवान भोले को भोलेनाथ कहते हैं। दूसरी चीजें है अन्य देवताओं का मुख एक तरफ होता है जी, तो जब हमने पूजन किया तो सामने उनका पूजन कर दिया जी, तो जो वस्तु सामने रखी है वही देवता ग्रहण कर रहा है, अगल बगल की वस्तु नहीं। लेकिन शिव क्या है, शिवलिंग है, अव्यक्त है, अनंत नेत्र है, इसलिए उनको चारों तरफ सृष्टि में जहां तक रूप है वहां तक का सारा स्वरूप शिव की दृष्टि के अंतर्गत होने के कारण सारी वस्तुएं शिव को समर्पित हो जाती हैं। तमने प्रार्थना लोग करते हैं, आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम, हे भोलेनाथ आत्मा हमारी। एक मिनट,